दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सौर मंडल का पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम आपको ये बताएंगे कि सौर मंडल क्या है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ, ये आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो आज हम बृहस्पति ग्रह से शुरुआत करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हाल ही में बृहस्पति ग्रह पर क्या नई शोध हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी दिशा में। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सौर मंडल से अपरिचित होगा। तो हम इस सीरीज में आपको सौर मंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो क्या है ये सौर मंडल? सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रह का समूह, और ये पूरा सौर मंडल ही कहलाता है, जिसके केंद्र में सूर्य होता है और बाकी सारे ये आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनमें 8 ग्रह और उनके 172 ज्ञात उपग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। वहीं ये भी बता दें कि इन ग्रहों में 4 ग्रह गैसीय है, वहीं 4 ग्रह सतही। 4 ग्रह जो गैसीय उनके नाम बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। वहीं 4 ग्रह जो सतही हैं, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो ये थी बात सोलर सिस्टम की। अब चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ, जिसका टॉपिक है बृहस्पति ग्रह। तो क्या है बृहस्पति ग्रह, आइए आपको बताते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वां ग्रह है। यह मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से मिलकर बना है। वैज्ञानिक के अनुसार बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में बांटा गया है। तो बात करते हैं कि हाल ही में हुए शोध में, जिसमें इस बात के कुछ तथ्य यानी फैक्ट्स पाए गए हैं कि क्यों बृहस्पति ग्रह में शनि ग्रह जैसे रिंग या शानदार वलय नहीं होते हैं। आप सोचिए कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के पास शनि की तुलना में बड़े और अधिक शानदार वलय होने चाहिए, लेकिन नए यूसी रिवरसाइड रिसर्च से पता चला कि बृहस्पति के अपने विशाल चंद्रमा हैं, जो कि बृहस्पति ग्रह की चमक को रात में रोशन करने से रोकते हैं। आपको बता दें कि यह रिसर्च पेपर प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें इस बात के फैक्ट मिले हैं कि क्यों बृहस्पति ग्रह में शनि ग्रह जैसे रिंग्स या शानदार वलय मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड अमेरिका के एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन केन, जिन्होंने इस रिसर्च टीम को लीड किया है, उनका कहना है कि लंबे समय से मुझे परेशान कर रहा था कि बृहस्पति के पास और भी आश्चर्यजनक छल्ले यानी रिंग क्यों नहीं है, जो कि शनि के पास है। रिसर्च टीम के सदस्य केन कहते हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह के पास रिंग होते तो वे हमारे लिए और भी उज्जवल दिखाई देते, क्योंकि शनि ग्रह की तुलना में बृहस्पति ग्रह बहुत करीब है। और सवाल भी पूछते हैं कि क्या बृहस्पति के पास एक बार शानदार छल्ले थे और क्या उन्हें उसने खो दिया? रिंग संरचनाओं का अस्थायी होना संभव है, उन्होंने ये भी कहा। इस कारण को समझने के लिए बृहस्पति वर्तमान में जिस तरह से दिखता है, केन और उनकी टीम ने बृहस्पति के 4 मुख्य चंद्रमाओं की कक्षाओं के साथ साथ ग्रह की कक्षा के लिए एक डायनामिक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया और उस समय के बारे में जानकारी दी कि ये रिंग बनने के लिए कितना समय लेता होगा। उनके परिणाम अब ऑनलाइन भी हैं। जल्द ही पूरा पेपर ग्रह विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित भी होगा। वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि शनि के वलय बड़े पैमाने पर बर्फ के बने होते हैं, जिनमें से कुछ धूमकेतुओं से आए होंगे, जो बड़े पैमाने पर बर्फ से भी बने होंगे। यदि इस बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा पर्याप्त मात्रा में विशाल है तो उनका गुरुत्वाकर्षण भी होगा, जो कि किसी ग्रह की कक्षा से बर्फ को उछाल सकता होगा या बर्फ की कक्षा को इतना बदल सकता है कि वह चंद्रमा से टकरा जाए। केन ने कहा कि हमने पाया कि बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमा, जिनमें से एक हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी माना गया है, बहुत जल्दी किसी भी बड़े छल्ले को नष्ट कर देगा। इसके परिणाम स्वरूप यह संभावना नहीं है कि बृहस्पति के अतीत में किसी भी बिंदु पर बड़े छल्ले या रिंग रहे होंगे। केन ने कहा कि विशाल ग्रह बड़े पैमाने पर चंद्रमा बनाते हैं, जो कि उन्हें पर्याप्त रिंग बनाने से रोकता है। हमारे सौर मंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों यानी शनि, नेपच्यून, यूरेनस और बृहस्पति में वास्तव में वलय है। हालांकि नेपच्यून और बृहस्पति के छल्ले दोनों ही इतने कमजोर रहे होंगे कि पारंपरिक स्टार गेजिंग उपकरणों के साथ उन्हें देखना मुश्किल रहा होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कुछ छवियों में बृहस्पति की तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें फीके छल्ले दिखाई भी पड़ रहे हैं। केन ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये क्षणिक छल्ले तब तक मौजूद थे जब तक वॉयेजर अंतरिक्ष यान अतीत में नहीं चला गया क्योंकि हम उन्हें नहीं देख सके। उनका कहने का मतलब ये रहा कि बृहस्पति के छल्ले इतनी जल्दी बनते और बिगड़ते हैं कि अपने टाइम पर वॉयेजर अंतरिक्ष यान ऐसी तस्वीर नहीं दे पाया जो कि अब सामने आई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, जिसमें फीके छल्ले दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए केन ने बताया कि यूरेनस के छल्ले इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन शनि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जल्द ही यूरेनस पर भी स्थितियों को समझने के लिए सिमुलेशन को करना चाहेंगे ताकि यह देखा जा सके कि उन ग्रहों के छल्ले का जीवन काल क्या हो सकता है। छल्ले खगोलविदों को किसी भी ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करते हैं क्योंकि वे अतीत में हुए चंद्रमाओं या धूमकेतुओं के साथ टकराव का सबूत पेश करते हैं। अंगूठियों का आकार और उनका खुद का आकार, साथ ही उनकी संरचना उस प्रकार की घटना के बारे में एक संकेत प्रदान करती है जिसने उन्हें ऐसा बनाया होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी बात इस शोध को लेकर जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कुछ पिक्चर्स में बृहस्पति की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें फी के छल्ले दिखाई दे रहे हैं और ये पाया कि बृहस्पति के छल्ले क्षणिक प्रवृत्ति के हैं। तो ये थी पूरी बात, फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।